गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आदित्य यादव साइंस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथ का क्लास, जहां जीरो से लेके एडवांस तक हम मैथ इसमें बताएंगे आपको। अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो आप प्ले स्टोर पर जाके साइंस क्लासेस सर्च करना है। साइंस क्लासेस के वहाँ दो ऐप्स हैं, जो बड़ा कैपिटल लेटर में लिखा है उसे इंस्टॉल करना है। उस पर ये कोर्स हमारा अवेलेबल है, वहाँ से जाके इंस्टॉल करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और पूरा वीडियो देख सकते हैं। हम वैसे तो 5-7 वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे जो फ्री सारे लोग देख सकते हैं, उसके बाद वीडियो नहीं देख पाएंगे आप। इसके लिए आपको वहाँ ऐप्स पे जाना ही पड़ेगा। आइए हम डिस्कस करते हैं कि मैथ में कौन सा टॉपिक हम कराएंगे। इसके लिए आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, उसके बाद हम कराएंगे घात, घातांक, उकरणी, पावर, इंडिकेट्स एंड सर्च, उसके बाद हम कराएंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, उसके बाद मिसलेनियस, विविध, अलजेब्रा, बीजगणित, एलसीएम एंड एससीएफ, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, उसके बाद कराएंगे हम परसेंटेज, प्रतिशत, उसके बाद कराएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि, उसके बाद डिस्काउंट, बट्टा, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एंड दूरी, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, ज्यामिति और निर्देशांक, एवरेज, औसत, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात, पार्टनरशिप, साझेदारी, मिक्सर एंड एलिगेशन, मिश्रण एवं अनुपात, उसके बाद कराएंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, उसके बाद हम कराएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम चलेगा, समय और कार्य, मेंसुरेशन चलेगा, क्षेत्रमिति, उसके बाद चलेगा टाइम एंड डिस्टेंस एंड ट्रेंस, समय, दूरी और रेलगाड़ी, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, और लास्ट में चलेगा स्टैटिक्स एंड डेटा इंटरेक्शन का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम दोस्तों तो सिंप्लीफिकेशन या सबसे पहले बच्चों के कहने पे, जैसे बच्चों ने हमें बताया कि सबसे पहले हमें नंबर सिस्टम पढ़ना है, तो सबसे पहले हम चालू करेंगे नंबर सिस्टम। लेकिन नंबर सिस्टम से चालू करने से पहले ही हम कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जान लेना चाहिए, इसीलिए हम सबसे पहले उसको सीखेंगे। जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट है, तो हमें स्क्वायर रूट आना चाहिए। अगर हम कोई भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, SSC, बैंक या रेलवे या UPSI, किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमको स्क्वायर आना चाहिए। जो छोटी तो बातें हैं, मगर ये हमारे एग्ज़ाम में जो स्पीड है उसको इनक्रीज कर देता है। अगर आपके पास स्पीड नहीं है, आपको आता भी है, तो आप क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आज का एग्ज़ाम जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसी का होगा। अगर आपको सारा कुछ आता है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आपका एग्ज़ाम नहीं होना है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज का एग्ज़ाम बहुत इंटेलिजेंट लड़का के लिए नहीं है। बहुत इंटेलिजेंट लड़का, चाहे वो पढ़ने में कैसा भी हो, अगर उसने प्रैक्टिस ज़्यादा किया है ना, तो उसका सिलेक्शन पक्का है। इसलिए छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए एक एक चीज़ हम छोटे से छोटे चीज़ों को सीखेंगे और धीरे धीरे एडवांस लेवल तक हम चले जाएंगे। और इसलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि आपको सबसे पहले हम स्क्वायर रूट सिखाते हैं कि छोटे छोटे स्क्वायर रूट्स आपको याद होना चाहिए, आपके जवान पर होना चाहिए, देखते ही इसका स्क्वायर रूट क्या है उसको आना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट। हमको 1 से लेकर 30 तक अपने जवान पर स्क्वायर रूट होना चाहिए। जैसे अगर मानो कि आप 1 का स्क्वायर, तो 1 होता है, इतना तक तो सबको आता है, लगभग 20 तक सबको याद है। अगर हमको 3 ऐसे इसमें हैं जो हमको याद नहीं होता है, जैसे मान लो कि 17, ये एक मिनट, ये 17, 18 और 19 का, तो इसमें हम देखेंगे 17 का स्क्वायर। अब देखिए आखिरी में अगर 7 है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर तो 49 होगा, तो 9 आखिरी डिजिट होगा। यानी अगर हम 17 का स्क्वायर देखें तो 7 का स्क्वायर होगा 49, तो उसमें से 9 लेंगे और इसमें 7 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7 चौक 28, यानी इस तरह हमको याद हो जाएगा। उसी तरह 8 का है, 8 8 64 होता है, 64 को 4 लेंगे और 8 चौक 32 कर देंगे, यानी 32 और 4।
उसी तरह हम करेंगे 19 का यानी 9 9 81 को 1 और 9 4 को 36, इस तरह हम करेंगे। उस तरह ये 30 तक तो हमारे जबान पर होना चाहिए अगर हम एग्जाम में बैठे हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 40 से लेकर 60 तक के बीच का अगर हमारे पास कोई स्क्वायर आ जाता है तो हम उसे तुरंत कैसे कर लेंगे, देखते ही उसका रिजल्ट कैसे बताएंगे। तो आइए चलते हैं। गेटिंग द स्क्वायर डिजिट, एक मिनट पेन दूसरा ले लेते हैं ताकि विजुअल हो। अगर 40 to 60 के बीच में हमें अगर कोई स्क्वायर निकालना है तो हम देखते ही उसको कैसे बता पाएंगे। आइए चलते हैं। मान लीजिए कि हमको कहीं पर 48 का स्क्वायर आ गया निकालना, तो 48 का स्क्वायर क्या होगा? सबसे पहले इसको सीखने के लिए हमें अपने मन में ऐसे दो अक्षरों को मान लेना है, एक तो 25 को ले लेना है, दूसरा 50 को ले लेना है। ये दो अंकों को अपने माइंड में रखना है और देखना है कि 45, ये जो 45 है ये 50 से कितना अधिक है, या सॉरी 48 50 से कितना कम है। यहाँ पर कम है इसलिए हम देखेंगे कि कितना कम है। हम देख रहे हैं यहाँ कि 2 कम है 50 से, तो हम उस 2 का स्क्वायर लेंगे। उस 2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 4 आएगा, 4 के पीछे 0 और 4 लगाएंगे इस तरह, और वो 4 सॉरी जो 2 कम है 50 से वो 2 इसमें से हम माइनस कर लेंगे, यानी 25 में से माइनस कर लेंगे तो आएगा क्या 23। इस तरह 48 का स्क्वायर 2304 है। अगर हम देखें कि 47 का स्क्वायर क्या होगा, तो 47 का स्क्वायर अब हम देखेंगे कि 47 50 से कितना कम है, तो कितना कम है, अच्छा 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा क्या 09, और वही 3 इसमें से हम माइनस कर देंगे। जब हम 3 माइनस कर देंगे तो आएगा क्या 22, यानी 47 का जो स्क्वायर होगा वो 2209 होगा। इसी तरह हम निकालेंगे और डिस्कस करते हैं इस पे। मान लीजिए हमको 45 का स्क्वायर लेना है, 45 का स्क्वायर, तो 45 को देखेंगे कि 50 से कितना कम है, यानी 45 50 से 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर होगा 25, और वही 5 इसमें से माइनस होगा, यानी हो क्या जाएगा 20, इस तरह 20 हो जाएगा। उसी तरह अगर हमको 44 का स्क्वायर लेना है, तो 44 का स्क्वायर जब लेना है तो देखेंगे कि हम 50 से कितना कम है, तो 50 से कितना कम है, तो 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, और वही 6 इसमें से माइनस करेंगे तो 6 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 19, यानी 1936। अगर हम आगे की बात करें तो इस तरह तो आप सारा निकाल लेंगे, आप 40 से लेकर 50 तक के बीच में सारा स्क्वायर निकाल लेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 50 से ऊपर वाले, मतलब जो 50 से 60 के बीच में हैं उनके स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो अगर मान लो कि हमारे पास 52 है, 52 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो 52 का स्क्वायर निकालने के लिए अब जिस तरह हम जो 50 से कम था उसके लिए हम ये चेक कर रहे थे कि 50 से कितना कम है, तो हम उसका स्क्वायर निकाल दे रहे थे, लेकिन अगर 50 से ज़्यादा है तो हम ये चेक करेंगे कि 50 से आखिर में वो कितना ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं ये 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 2 ज़्यादा है,
यानी अगर दो ज़्यादा है तो उस दो का स्क्वायर करेंगे, और दो का स्क्वायर क्या होगा, 0, 4। और इस बार जितना ज़्यादा है इस 25 में हम ऐड करेंगे, तो इसमें ऐड करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। इस तरह 52 का जो स्क्वायर होगा 2704 होगा। आइए और हम सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको 53 का स्क्वायर निकालना है, तो 53 का स्क्वायर अगर हमको निकालना है तो देखेंगे कि कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है, तो 3 का यानी 3 का 09 होगा, और वही 3 इसमें जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। आगे चलते हैं 54 पे। 54 का स्क्वायर होगा, 54 का स्क्वायर यानी 4 ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16, और वो 4 इसमें ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा, तो 29 16। इस तरह हम बहुत आसानी से 40 से 60 के बीच में जितने भी स्क्वायर्स हैं वो देखते ही हम बता देंगे। अब तो आपको पता चल गया होगा। मान लीजिए 50 का स्क्वायर हमें पता करना, 55 का स्क्वायर पता करना है, तो 55 कितना अधिक है 50 से, तो 5 अधिक है, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, और वही 5 जो ज़्यादा है वो 25 में जोड़ना है, तो 25 में हम जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। यानी अगर देखें तो 55 का स्क्वायर हो गया कितना, 30 और 25, यानी 3025। इस तरह हम आसानी से बिना कुछ पेन उठाए ही स्क्वायर निकाल सकते हैं। जो इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसका उसके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा। आप चेक करेंगे। आइए हम चलते हैं 100 के अराउंड में। जैसे मान लीजिए कि 90 का स्क्वायर निकालना है, 90 के आसपास का स्क्वायर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं। आखिरी में हम एक ऐसा आइडिया सीखेंगे जिससे हम किसी भी डिजिट का, चाहे वो कोई भी डिजिट हो, हम स्क्वायर रूट उसका निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हमको 90 से लेके 110 के बीच में कोई स्क्वायर डिजिट निकालना है तो कैसे होगा, इसके लिए हम आपको देखेंगे कि एक अंक, मात्र एक अंक लेना है आपको, 100 लेना है। अब कोई भी, जैसे मान लो कि 98 ले, तो 98 देखेंगे कि 100 से कितना कम है, तो 100 से ये कितना कम है, 2 कम है। अगर 2 कम है, अगर हमको स्क्वायर लेना है, अगर 2 कम है तो उस 2 का स्क्वायर होगा 0, 4, और वो 2 इसमें से हम माइनस कर दें, यानी 98 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो 96 होगा। इस तरह करके हम इसका भी स्क्वायर निकाल देंगे। मान लो कि हमको 97 का स्क्वायर निकालना है, तो देखेंगे कि 100 से कितना कम है, तो कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर होगा 09। 2 अंक लेना है, एक्चुअली में यहाँ पर 2 अंक लेना है, इसीलिए हम 0 लगा रहे हैं। अगर यहाँ पर 2 अंक आ जाएगा तो 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लो 4 आएगा तो 16 आ जाएगा, तो 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो 97 3 कम है, तो इसमें से 100 में से, सॉरी, अगर 100 से 97 3 कम है तो उस 3 का स्क्वायर 09 होगा, और वही 3 इसमें से हम माइनस कर देंगे। जब इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 95 हो जाएगा, यानी 97 का जो स्क्वायर होगा 9509 होगा। उसी तरह ही हम सारे का निकाल लेंगे, 90 तक हम निकाल के प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अगर हमको इसके आगे का निकालना है, जैसे मान लो कि हमको 105 का निकालना है, तो अब देखेंगे कि कितना ज़्यादा है, देखेंगे हम कि कितना ज़्यादा है। तो इधर देख रहे हैं हम तो 5 ज़्यादा है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, और वो 5
मतलब जो ज्यादा है इसी में जोड़ देना है, मतलब 1 0 10। जब कम था यानी 97, जब 100 से कम था तो उसका स्क्वायर करके जितना कम है वही घटाते थे। यहाँ पर सेम टू सेम जितना अधिक है, जैसे 5 अधिक है 100 से, तो 5 को हम 5 का स्क्वायर करेंगे और फिर वही 5 इसी में जोड़ देना है। इस तरह हम 40 से 60 के बीच में और 90 से लेके 110 के बीच में सारे स्क्वायर डिजिट निकाल सकते हैं बिना पेन उठाए, बिना किसी के सहारे के। आगे हम चलते हैं कि हमें कोई भी स्क्वायर कैसे निकालना आएगा। एक्चुअली में जो स्क्वायर है इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे हम किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। हेलो दोस्तों, हमने ये सीखने जा रहे थे कि किसी भी डिजिट का कैसे हम स्क्वायर निकालें। उसके लिए हम एक फार्मूला बताने जा रहे थे कि ए स्क्वायर, फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर 2ab और b का स्क्वायर। इसी से हम स्क्वायर निकालते हैं, चाहे वो किसी भी डिजिट का क्यों ना हो। आइए जैसे हम चेक करते हैं, जैसे मैंने 48 का स्क्वायर सिखाया था, 48 के स्क्वायर में सिखाया था कि हमको दो अक्षर लेना है, 25 लेना है और 50 लेना है। तो इससे हम सीखे थे कि 25 और 50 से कैसे हम निकालेंगे। देखे थे कि 48 50 से दो कम है तो उस दो का स्क्वायर कर रहे थे यानी 0 4 आ रहा था, और वो दो इस 25 में से माइनस कर रहे थे यानी 23 हो जा रहा था। तो इस फॉर्मूले से क्या ये आ रहा है कि नहीं, इसको हम चेक करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि इसको हम ए मानेंगे और इसको मान लेंगे बी। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो पहले तो सबसे पहले बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, 64 को 4 लिखेंगे, ठीक है, 64 का 4 लिख दिया। उसके बाद 2ab है यानी 8 चौक को 32 गुना 64 है और 6 रिमाइंडर बचा है तो 70 होगा, 70 को 0 लिखेंगे और फिर 4 का स्क्वायर है यानी 16 है, 16 में 7 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। इस तरह हम कर लिए इसको 23 0 4। अगर हमको कोई बड़ी डिजिट है, कोई बड़ी डिजिट का स्क्वायर निकालना है, जैसे मान लीजिए कि 152 का निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है, इस फॉर्मूले से चाहे कोई भी स्क्वायर निकालना है बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। ज़रा देखिए कैसे, इसको हम ए मानेंगे और इसको मानेंगे बी। तो सबसे पहले बी का स्क्वायर 0 4 लिया यानी 2 का स्क्वायर 4 लिया, उसके बाद 2ab यानी 15 दुना 30, 30 दुना 60। यहाँ पर 2 है इसलिए हम 2 का गुणा करेंगे यानी 15 दुना 30 और 30 दुना 60, यानी यहाँ पर हम कर लिए 60 को 0। और 15 का स्क्वायर होता है 225 यानी 225 में 6 हम जोड़ेंगे, तो 225 में जब हम जो 6 जोड़ेंगे तो 231 आएगा यानी 23104 हमारा होगा 152 का स्क्वायर। इस तरह हम किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसके लिए उतना ही आसान रहेगा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आप आसानी से सीख सकते हैं। अगर नहीं जान पा रहे हैं तो वीडियो को कई बार आप रिवर्स करके देखिए, सारी चीज़ें आप जान जाएंगे। आइए हम सीखते हैं कि कुछ रिपीटिंग डिजिट है उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे जो बार बार हमारे एग्जामों में आ रहा है। आइए जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि चाहे वो सी टेट का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो, SSC हो, तो कई बार हमारे पास आ जाता है ऐसा बन के कि एक एक का स्क्वायर। तो एक एक का स्क्वायर तो हम जानते हैं कि आसान है, एक का स्क्वायर होता है 121। लेकिन हमारे पास जो एग्ज़ाम में आ रहा है आजकल इतना बड़ा आ रहा है 1111 इस तरह करके आ रहा है, तो इसका क्या होगा स्क्वायर। इसका स्क्वायर बिल्कुल आसान है, कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास 11 था तो 121 लिखिए, उसी तरह मान लीजिए कि हमारे पास 3 डिजिट है तो इसी तरह इसको काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3
फिर वहाँ से डाउन चले जाएंगे, 2 1। मान लीजिए कि 4 बार करना है, 1 1 1, तो करेंगे 1 2 3 4, फिर 3 2 1। फिर मान लीजिए कि 5 बार अगर आ गया, तो 5 बार का स्क्वायर करना है, तो करेंगे 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। इस तरह हम इसका निकाल, एक्चुअली में एग्जाम में हमारे इसका क्वेश्चन आता है जो जिसे हमें सॉल्व करना होता है। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं,